बिहार पंचायत चुनाव के नए दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव के क्रम में नई पंचायतों के नाम तय होंगे, बदल जाएंगे पंचायतों के नाम, नए पंचायतों के गठन के साथ वार्ड भी तय किए जाएंगे, पंचायत समिति सदस्य भी इसके आधार पर निर्वाचित होंगे और नई आरक्षण व्यवस्था भी, आरक्षण की जो सूची है नए सिरे से तैयार की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, आज पंचायत चुनाव के लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जो आपको जानकारी होना चाहिए और ऐसे पंचायतों के निवासियों को तो जरूरी होना चाहिए जानकारी, जिनका कुछ क्षेत्र, जिस जिले का, जिस प्रखंड का कुछ क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया है या नगर पंचायत में शामिल हो गया है, तो ऐसे लोगों को वो जानकारी बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कहिए। बिहार पंचायत चुनाव के क्रम में कई पंचायतों के नाम भी बदल जाएंगे और नए नाम तय होंगे, मतलब जो पंचायत जिस नाम से जाने जाते थे अब वो नए नाम से जाने जाएंगे, खासकर वैसे पंचायत जिनके एक चौथाई हिस्से नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। एक चौथाई मतलब जिसका 25% हिस्सा नगर निगम में शामिल हो चुका है, या आबादी के हिसाब से या फिर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों की ने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन के क्रम में सभी जिलों के डीएम सह निर्वाचित पदाधिकारियों को पंचायतों का नाम तय करने का जिम्मा दे दिया गया है। दोस्तों, पंचायतों का नाम जो है डीएम साहब तय करेंगे, जो निर्वाचित पदाधिकारी भी होते हैं। आपको हम बता दें कि जो पंचायतों का नाम जो तय होता है वह आबादी के अनुसार होता है ज्यादातर, लगभग जो राजस्व, जिस पंचायत का जो राजस्व ग्राम की आबादी सबसे ज्यादा होती है, जिसमें मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उसी गांव के नाम से अमूमन पंचायत का नाम रखा जाता है और वही पंचायत मुख्यालय भी होता है। सूत्रों की माने तो पंचायतों के गठन के साथ ही उस पंचायत में नए वार्ड भी गठन किए जाएंगे। हाँ, जब जरूरी है, भौतिक स्थिति बदलेगी तो नए वार्ड भी गठन किए जाएंगे, सभी वार्डों के पदवार आरक्षण का निर्धारण भी किया जाएगा, फिर वार्डों का में आरक्षण की स्थिति क्या होगी उसका भी निर्धारण किया जाएगा, ताकि वहां आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव कराया जा सके। इसके लिए तत्परता पूर्वक राज्य सरकार की नीति के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की जो नीति है, जो दिशा निर्देश है आरक्षण को लेकर, उसके तहत उस जिले के जो निर्वाचित पदाधिकारी है उनको कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दौरान पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी पंचायत के स्वरूप के अनुसार ही आरक्षण रोस्टर के तहत निर्धारित किए जाएंगे और उनका निर्वाचन भी उसी के अनुरूप होगा। इस जो स्थितियां बदलेगी तो वार्ड के भी बदलेगी और पंचायत समिति सदस्य के भी बदलेगी, वहां का भी आरक्षण रोस्टर अनुसार आरक्षण तय किया जाएगा, उसके अनुरूप ही चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार सभी नवगठित पंचायतों में सभी 6 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। जिलों को निर्देश दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की असुविधा होने पर, अगर इसके निर्धारण में आरक्षण किस कोटि का होगा, इसके इसमें असुविधा होने में, नाम तय करने में असुविधा होने में, मार्गदर्शन के लिए आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी जानकारी है आप लोगों की। देखिए, आरक्षण बदल जाएगा, आरक्षण की स्थिति बदल जाएगी, पंचायतों के नाम बदल जाएंगे और वार्डों की भी स्थिति बदल जाएगी, तो इसमें आप अपना अपना ध्यान रखिएगा। और आपको हम बता दें दोस्तों कि
आपके आपके पास उपलब्ध है, आपके पंचायत की स्थिति क्या रहेगी उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं। इससे पहले आपसे दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि दोस्तों YouTube के अनुसार हमारे 75% से ज्यादा जो सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले जो वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप ठोक तंत्र के सदस्य हो जाते हैं, ठोक तंत्र परिवार के सदस्य हो जाते हैं, और जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो दोस्तों कितनी खुशी होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मेरे परिवार के सदस्य बनिए, ठोक तंत्र के सदस्य बनिए, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, घंटा का बटन भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको जानकारी जो देना है कि नवगठित पंचायतों की जिलावार सूची अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन भी लगा दिया हूं और इंड स्क्रीन भी लगा दिया हूं, और आपको वहां भी नहीं, वहां से नहीं आप क्लिक कर पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पंचायत विलुप्त हो जाएंगे और कौन कौन से पंचायत ऐसे हैं जिनका किसी नगर निकाय में शामिल हो रहा है, तो आपको सुविधा होगी अपने पंचायत के देखने में। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका पंचायत भी नगर निकाय में शामिल हो गया है, या आपके बगल के पंचायत शामिल हो गए, प्रखंड के पंचायत शामिल हो गए हैं, आज कुछ हिस्सा शामिल हुआ है, पर आप अपने पंचायत का नाम और नाम जरूर लिख के बताइएगा, हम उसकी स्थिति बताने की चेष्टा करेंगे। तो दोस्तों आज के इस ताजा अपडेट में इतना ही, कोई नया अपडेट आता है तो फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।